बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है कि मेंटल प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन किया जाए। ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि मेंटल प्रोसेसेस को एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाए, बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाए, उसके बेसिक कंपोनेंट्स देखे जाए, मेंटल प्रोसेसेस का स्ट्रक्चर देखा जाए, इसलिए इसको स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इट इज अ थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस दैट सीक्स टू एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ मेंटल इमेजेस फीलिंग एंड हाउ दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर एक्सपीरियंसेस। स्ट्रक्चरलिज्म में किसी भी इंसान के थिंकिंग प्रोसेसेस को, यानी उसके ब्रेन में किस तरह की इमेजेस बनती हैं, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उसके पूरे मेंटल प्रोसेसेस को बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़कर समझने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है, उस मेथड को कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अंदर का मतालिया, डीप स्टडी। जब आपसे कहा जाए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको कोई चीज बताई जाए, आपको उकसाया जाए और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आपकी इस बारे में क्या राय है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, इसी चीज को कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में कि हम किसी पर छोड़ देते हैं कि वो अपने बारे में खुद बताए उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसकी क्या राय है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो सही बताए और ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत बताए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिजल्ट फेक भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, या चांस है, इसलिए या जो हमारा रिजल्ट होगा वो सब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ये आ गया स्ट्रक्चरलिज्म का तारफ। अब चलते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे। विलियम वुड ने स्ट्रक्चरलिज्म को डेवलप किया, फिर इनके एक स्टूडेंट जिनका नाम था एडवर्ड टिटनर, इन्होंने मेंटल प्रोसेस को तीन बेसिक स्टेट्स में डिवाइड किया। सेंसेशन यानी एहसासियत, फिर इमेजेस हमारे ब्रेन में किस तरह की इमेजेस बनती हैं, अफेक्टिव स्टेट जज्बाती कैफियत। इसके बाद आगे चलते हैं इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी, जदीद साइकोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म का क्या इन्फ्लुएंस है। द फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ थॉट, ये सबसे पहला मेजर स्कूल ऑफ थॉट था, यूटिलाइज इंट्रोस्पेक्शन टू ब्रेक डाउन द मेंटल प्रोसेसेस। आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी में भी इंट्रोस्पेक्शन का तरीका, ये वाला मेथड यूज करके मेंटल प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया जाता है। रिजल्ट्स हैड लैक ऑफ रिलायबिलिटी, इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिलायबल नहीं होते, उसमें रिलायबिलिटी की कमी होती है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इंट्रोस्पेक्शन में हम किसी से जो राय लेते हैं वो हो सकता है कि सही हो और हो सकता है गलत हो, यानी सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती। ये मुख्तसर सा टॉपिक था स्ट्रक्चरलिज्म। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।